गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन कंटिन्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.4 पॉइंट फोर फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग फोटोज ऑफ टू नोट्स एंड आफ्टर दैट आई विल टीच यू दीज नोट्स थ्रू दिस वीडियो सो दिस इज पेज टू फिफ्टी वन दिस इज पेज टू फिफ्टी वन स्टूडेंट्स साइड में जो हिंट दे रखा है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है उसे फेयर नोटबुक में राइट डाउन नहीं करना डू hmm. नोट राइट दैट नोट इन फेयर नोटबुक दिस इज पेज 252 फिफ्टी पेज टू फिफ्टी थ्री टू फिफ्टी फोर पेज टू हंड्रेड फिफ्टी फोर स्टूडेंट्स साइड में जो हिंट दे रखा है ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है इसे राइट डाउन भी नहीं करना और ये एक स्टैंडर्ड रूल नहीं है बट जनरली ऐसा होता है पेज टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव पेज टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स सो लेट लेटेस्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ये कहता है इवेलवेट इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो so, स्टूडेंट्स इसमें हम ये देखेंगे कि कोई आइडेंटिटी बनाने के लिए देखिए न्यूटर में सिक्सटी थ्री और ट्वेंटी सेवन का सम नाइन्टी होता है तो हम ऐसे करेंगे कि इन सिक्सटी थ्री और ट्वेंटी सेवन में से किसी एक एंगल को नाइन्टी माइनस में बदल चेंज कर लेंगे तो ऐसे ही नीचे सेवनटीन और सेवनटी थ्री है तो इनका सम भी नाइन्टी होता है तो इन दोनों में से भी हम एक किसी एक एंगल को 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे सो so, ये हमने पहले स्टेटमेंट लिखी उसके बाद में देखिए हम 27 को चेंज कर रहे हैं 90 माइनस सिक्सटी इनका डिफरेंस है वो 27 आना चाहिए और टी रेशियो सेम रहना चाहिए 90 माइनस थीटा में चेंज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे ये स्क्वेयर बाद में लगाएंगे पहले बिना स्क्र के पढ़े इसको साइन नाइनटी डिग्री माइनस थीटा तो वो कोस थीटा हो गया कोस 63 और इस पर स्क्वायर है तो आप इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लीजिए ऐसे ही हमने नीचे कोस 73 को बदला है को को ही रखा 73 को 90 -17 कर दिया और इस तरह से यह चेंज कर दिया अब देखिए ऊपर भी हमारा साइंस केयर थीटा प्लस को स्केर थीटा वन बनता है नीचे भी साइंस केयर थीटा प्लस को स्केयर थीटा इक्वल टू वन बनता है स्टूडेंट्स यहां पर थीटा थीटा का मतलब थीटा ही होना जरूरी नहीं है इसके स्थान पर कोई भी वैल्यू हो सकती है बट ये ध्यान रखें कि वो वैल्यू जो थीटा की वैल्यू है वो दोनों जगह सेम होनी चाहिए जैसे यहां पर देखिए सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री तो अपने मन में सिक्सटी थ्री को हम थीटा अज्यूम करेंगे सो ये पढ़ा जाएगा साइंस केयर थीटा प्लस कोश के यहां पर सेवनटीन डिग्री को हम थीटा अज्यूम करेंगे सो कोश केक्वल टू वन और वन इसका आंसर आ गया इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट में देखिए यहां पर साइन की वैल्यू एक जगह ट्वेंटी फाइव है एक जगह सिक्सटी फाइव है तो इसमें हम ऐसा करेंगे कि अगर 25 रखते हैं 65 इसमें को 65 को चेंज करते हैं तो यहां पर 25 आ जाएगा तो यहां पर भी 65 को ही चेंज करेंगे हम दोनों स्टेप्स में दोनों टर्म्स के अंदर या तो दोनों में 65 65 को चेंज करेंगे 25 को को इट इज रखेंगे या फिर 25 को चेंज करेंगे 65 को को इट इज रखेंगे सो so, हम मान लिया कि 65 को चेंज करते हैं तो रेशियो माइनस ट्वेंटी एंगल को नाइन्टी थीटा में कन्वर्ट कर दिया अब इस पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे अब देखिए थीटा सेम थीटा इंटू साइन थीटा साइनस्कर्टा थीटा इंटू कोस थीटा 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 के स्थान पर ट्वेंटी डिग्री है अब ये आइडेंटिटी लग गई और इसकी वैल्यू वन आ गई सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में कहता है चूज द जस्टिफाई का मतलब ये हुआ कि आप जो चॉइस करते हैं वो सिलेक्ट करने का रीजन क्या है क्यों सिलेक्ट किया उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा तो जस्टिफाई से हम उसको जस्टिफिकेशन लिख देंगे सो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन आप बाद में सेलेक्ट करेंगे पहले उसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स पहले हम क्वेश्चन को लेंगे और उसको सोल्व करेंगे फिर हमारा जो सोल्यूशन आएगा उसके हिसाब से हम अपना ऑप्शन चॉइस चूज करेंगे बट ऑप्शन का लिखेंगे ऊपर और जस्टिफिकेशन नीचे करेंगे और ये बाद में लिखा जाएगा करेक्ट ऑप्शन लिख करके खाली रख लो फिर जस्टिफिकेशन में इसको सोल्व कर लेंगे नाइन कॉमन आ गया अंदर सीकेयर थीटा माइनस टेंथ स्क्र थीटा ये फॉर्मूला बन गया हमारा वन के बराबर और ये नाइन आंसर आ गया तो इसके चार ऑप्शन है उनमें नाइन ऑप्शन हमारा बी में है सो अब हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे करेक्ट ऑप्शन इज बी इसी तरह से सी को करेंगे स्टूडेंट्स देखिए सीधा कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा कोई स्क्वेयर वगैरह नहीं है सो so, हम ऐसे करेंगे कि जिन टी रेशोज में जिनमें जहां साइन और कोस के अलावा कोई भी टी रेशियो आ जाता है उन सभी टी रेशोज को साइन और कोस में चेंज कर लो जिसमें भी हमारी आइडेंटिटीज आएदेंटि, के अनुसार जिसमें चेंज करना पॉसिबल है उसको चेंज कर लेंगे साइन और कोस के अलावा सभी टी रेशोज को साइन कोश में बदलेंगे जैसे चाहे कोई कोस में बदला जा सकता है तो कोस में बदल दें साइन में बदला जा सकता है तो साइन में बदल दें अगर वो साइन कोस दोनों में बदला जा सकता है तो दोनों में बदल दें जैसे देखिए वन प्लस टेन टेन थीटा में हमारी जो आइडेंटिटी हमने लिखवाई है उनमें थर्टीन नंबर पे हमने लिखवाया है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटापोन कोस थीटा तो हमने लिख दिया साइन थीटापोन कोश थीटा सिकेंड थीटा होता है वन अपोन कोश थीटा ऐसे ही वन प्लस कोट थीटा कोट थीटा हो गया कोस थीटा बटे साइन थीटा और हो गया वन अपॉन साइन थीटर अब देखिए इनका एल्सियम लेंगे एल मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा, थीटा, थीटा प्लस कोस थीटा वन. अब देखिए स्टूडेंट्स ऊपर जो साइन प्लस कोस है कोस प्लस साइन या साइन प्लस कोस दोनों प्लस के हैं कोई भी पहले ले लें तो ये साइन प्लस कोस है ये दोनों में एक जैसा है इसको आप एक बार अपने मन में एम ए अज्यूम कर लें सपोज साइन प्लस कोस ए है और ये वन है इसको बी मान लेते हैं तो ये हमारा कंप्लीट ए प्लस बी इंटू ये ए माइनस बी तो हमारी ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी एक बार हम इसको अलग से लिख देते हैं देखिए इसको ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस वन और इसको ब्रैकेट में लिख के माइनस वन तो अब इस ब्रैकेट वाले को ए मान ले अपने मन में तो ए प्लस बी ए माइनस बी इसमें हम या तो दोनों में साइन पहले लिख लें इसमें साइन पहले है तो इसमें साइन को पहले लिख दो कोस को बाद में या फिर इसमें कोस को पहले लिखते हो तो इसका कोस पहले लिख दो साइन को बाद में दोनों सेम नजर आने चाहिए अब इसके ऊपर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आईडेंटिटी लगा दो तो A, A square का मतलब पहले का ब्रेकेट का स्क्वायर तो साइन प्लस को सीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्र का मतलब वन का स्क्वायर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई हो गया अब यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी खुल जाएगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र को हम अपने इसमें थोड़ा सा ब्रेकेट सा दिखा देंगे फिर ये आइडेंटिटी बन जाएगी वन के बराबर और ये माइनस में वन रख दिया नीचे वैसे ही चला गया हमने यहां पर जो आइडेंटिटी यूज करी है वो हमने एक्सप्लेन कर दी अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू वन होती है प्लस में टू साइन थीटा थीटा, वन, वन, वन कैंसिल हो गया ये बच गया सिर्फ टू साइन थी थीटा थीटा, कोस कोस इनके बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए अलग अलग कट गया टू आंसर आ गया इसका नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में इसमें जस्टिफिकेशन में सीकेंड प्लस टेन और वन माइनस साइन थीटा तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसमें इसकी सीधी वैल्यू पुट कर दें हमारी ऐसे में हम सबसे पहले जो सुकेर वाली नाइन आइडेंटिटीज हैं आइडेंटिटी नंबर से लेकर ट्वेंटी थ्री तक सबसे पहले वो आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करें अगर वो नहीं लगती हैं तो आप साइन साइन कोर्स में चेंज कर लो तो सी हो गया वन अपोन कोर्स टेन हो गया साइन थीटापोन कोस थीटा स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हर स्टेप के ऊपर हमें आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है सो आइडेंटिटी आइडेंटिटी जो है वो एकदम लर्न होनी चाहिए अब ये वन माइनस साइन ये साइन ही है तो साइन साइन ही रह जाएगा कोस कोस ही रह जाएगा साइन कोश के अलावा जो टी रेस है उनको हम चेंज कर लेंगे यहां पर देखिए एल्सियम कोस आ गया ऊपर आ गया वन प्लस साइन थीटा ये वन माइनस साइन थीटा अब देखो नीचे तो कोस थीटा है ऊपर यहां पर देखो एक आइडेंटिटी फिर लगती है वन को तो अपने मन में ए समझ लो और साइन को बी समझ लो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्केर आइडेंटिटी लग गई और नीचे कोस थीटा है ए स्केयर का मतलब और साइंस स्केयर का मतलब तो के ऊपर नहीं लगता तो वन माइनस स्केयर ए अपोन को स्केयर ए अब देखिए स्टूडेंट्स वन माइनस साइंस केयर ए हमारा एक आइडेंटिटी है स्क्यर वाली आइडेंटिटी में ए, ये आइडेंटिटी हमारी है, ए, 16, 17, 17 क्या है? को थीटा

और वन प्लस कोर्ट स्केयर थीटा ये को सिक्ड स्केयर थीटा है अब इनको साइन कोर्स में बदल दो सी सीकेंट को हम लिख देंगे और को, को लिख देंगे sin अब ये वन अपन कोसकेर ऐसे लिख दिया ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वन अपॉन साइंस केयर यह साइंस स्केर अपॉन वन हो जाएगा तो हमारे पास साइंस केयर पोन को स्केयर आ गया स्केयर को अलग समझ लो साइन अपोन कोस को टेन में बदल दो फिर उनके ऊपर स्केयर लगा देंगे सो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन हो गए इसके बाद में अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर क्वेश्चन नंबर देखिये आप एल एच एस के अंदर दो दो टर्म है और दोनों टर्म फ्रैक्शन में है हम इनका एलसीम ले सकते हैं राइट साइड में इसको साइन कोस में बदल सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल एक ही टर्म है तो वन अपॉन कोस लिखने से कोई सोल्यूशन नजर नहीं आएगा इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और सबसे पहले इन दोनों का अगर साइन कोस में बदलना हो तो पहले बदलो इनको अगर पहले ही साइन कोस है तो आप सीधा इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में लेंगे वन प्लस साइन और इन टू में कोस ये एलसीएम आ गया अब वन प्लस कैंसिल हो गया इस का, इस से मल्टीप्लाई करेंगे आ आ गया से, के गया गया प्लस से से हो कैंसिल को गुणा करेंगे तो वन प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा ये अलग अलग स्क्वायर मत लगाना कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा अब ये ये को स्केयर वैसे लिख दिया यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी और नीचे एलसीएम को एज इट इज लिख देंगे हमने एक पहले लिख दिया बाद में लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले बाद में लिखने से अब स्टूडेंट्स देखिए या तो हम साइंस केयर प्लस कोश केयर को पास पास लिखे और वन बन जाए या फिर साइंस केयर कोश केर में से एक को चेंज कर दो जैसे कोश केयर को चेंज करेंगे तो वन माइनस साइंस केयर आ जाएगा और इसको ऐसे ही लिख देंगे और प्लस साइंस केयर माइनस साइंस केयर कैंसिल हो जाएगा अगर आप कोश केयर को ऐसे ही रखते हो और इसको चेंज करते हो तो वन माइनस कोश केयर आ जाएगा तो को स्क्र प्लस कोष्ट्यों से वो स्क्र कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए हमने को चेंज कर, लिया। कोई भी कर सकते नहीं करना तो वन माइनस स्क्र प्लस वन प्लस साइंस स्केयर प्लस टू साइन ए नीचे वैसे ही लिख दिया अब प्लस साइंस स्क्र माइनस स्क्र हमारे कैंसिल हो गए तो ये वन प्लस वन क्या हो गया टू प्लस टू साइन ए अब इनमें से टू कॉमन ले लिया ब्रेकेट में आ गया वन प्लस साइन ए नीचे को से इन टू वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए कैंसिल आ गया अगर अगर हमारी right side में में होता है तो है हो है तो two two है course, तो हमारा खत्म हो जाएगा ये ये ना को आप secant लिख दो ये RHS आ गई so, इस तरह से अब हम क्वेश्चन पार्ट थ्री करते हैं ऐसे ही tan theta वन माइनस कोर्ट प्लस कोट अपॉन वन माइनस टेन इक्वल टू वन प्लस सी कंट देखिए ये सिकेंड को सिक्ड साइन में बदल सकते हैं हम बट ये सिंपल सा है इसमें ना कोई स्क्र ना कोई और आइडेंटिटी लग सकती इसलिए हम किसी किसी में हमें दोनों साइड को सोल्व करना पड़ेगा फिर उनकी वैल्यू बराबर आ जाएंगी किसी में हम लेफ्ट को सोल्व करेंगे राइट आ जाएगी किसी में राइट को सोल्व करेंगे लेफ्ट आ जाएगी सो सिंपल काम देखना है देखिए जो टिपिकल साइड है उसको पहले लेंगे और उसको सिंपल बनाएंगे तो दूसरी साइड आसानी से आ जाती है ये टिपिकल है ये देखिए दोनों दोनों ट्रम है दोनों फ्रैक्शन में है तो इनका एलसीएम लेंगे हम तो हम इसमें एलएचएस लेकर के शुरू करते हैं और देखिए आगे क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने पहले एलएचएस लिखा अब सबसे पहला काम स्टूडेंट हमने आपको अभी बताया था कि अगर साइन और कोष के अलावा और टी रेशियो है तो उन टी रेशियोज को भी पहले साइन कोस में बदलो इस क्वेश्चन में ये साइन कोस में बदलने का काम बहुत केयरफुली करना है इसमें मिस्टेक हो सकती है इसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा देखो साइन टेन थीटा को बदलेंगे कोस अपॉन साइन थीटा नीचे वन माइनस टेन को बदलेंगे तो साइन थीटापोन थीटा इसके बाद देखिए इक्वल टू ये साइन थीटापोन थीटा वैसे लिख दिया और नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया हमने साइन थीटा एलसीएम आ गया साइन थीटा माइनस थीटा प्लस ऐसे ही ऊपर कोस अपॉन साइन रह गया नीचे कैलसी ले लेंगे कोस थीटा तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया अब स्टूडेंट्स हम ये जो बीच में डिवाइड है दोनों में दोनों टर्म में जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो कुछ है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन ऊपर चला जाएगा और साइन माइनस कोस नीचे आ गया ऐसे ही इसको करेंगे तो इसका कोश ऊपर चला गया और कोस माइनस साइन नीचे आ गया अभी देखिए साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्केयर और इनको मल्टीप्लाई में लिखना है बस इनको जिसमें एक से ज्यादा टर्म है उसको ब्रेकेट बंद कर दो और बाहर कोस लगा दो इसको ब्रेकेट बंद कर देंगे बाहर इसमें साइन लगा देंगे ऊपर कोस इंटू कोस कोसकेयर कोस हो गया अभी स्टूडेंट्स इनका एल्सियम लेंगे ध्यान से देखें एल्सियम से पहले ये साइन माइनस कोस है ये कोस माइनस साइन है इस स्टेप का ये मेन पॉइंट है मेन स्टेप है ये जो ध्यान रखने का है ब्रेकेट में दोनों में एक जैसा नहीं है पहले एक जैसा बनाएंगे ये साइन माइनस कोस है और ये कोस माइनस साइन है सिर्फ साइन का फर्क है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर प्लस है नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस का डिवाइड करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा इसमें से माइनस कॉमन लेंगे वो इस प्लस को माइनस कर देगा और बाकी वैसे ही कोस केयर ये साइन अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं तो कोस माइनस का हो जाएगा और साइन प्लस का हो जाएगा तो प्लस का साइन पहले लिख लेंगे ब्रेकिट में और कोस माइनस का है वो बाद में लिख लेंगे अब देखिए इनका एलसीम लेने में ये ब्रेकेट वाला बिल्कुल सेम मैटर बन गया तो अब एलसीम लेंगे तो लिख देंगे और लेंगे तो, कोस थीटा इन टू में ब्रेकिट ये कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा ब्रेकिट से ब्रेकिट कैंसिल हो जाएगा केवल साइन बचेगा इस साइन का न्यूमरेटर में जो साइन के रही इससे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन क्यूब थीटा बन जाएगा फिर ये माइनस लगा दिया ऐसे यहां देखो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा एल डिनोमिनेटर से भाग करते हैं एलसीएम को तो साइन कैंसिल हो जाएगा ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा सिर्फ कोस बचेगा अब इस जो बचेगा इसका न्योमेटर से मल्टीप्लाई कर दो कोस क्यूब हो गया अब ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपने अच्छी तरह से याद कर रखी है नाइन्थ में लेकिन नहीं किया है तो अब उसको दोबारा कर लें ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे ए माइनस बी साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब का मतलब साइन माइनस कोस ए माइनस बी इंटू ए स्क्र का मतलब साइन का स्क्वायर प्लस बी का मतलब कोस का स्क्वायर और माइनस वाले माइनस के प्लस आता है प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये हमने लिखकर भी दिखा दी है नीचे हमने एज इट इज ले लिया अब देखिए ब्रेकेट में जो है साइन माइनस कोस साइन माइनस कोस पूरा ब्रेकेट एक साथ कट गया ये अब ये ऊपर वाला ब्रेकेट बचा इसमें साइन स्क्र प्लस क्या होता है वन होता है वन लिख दिया

स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री है इसको विशेष रूप से प्रैक्टिस करें इसकी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन नंबर फाइव के टेन पार्ट्स हैं प्रत्येक पार्ट है वो चार नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो स्टूडेंट्स कंप्लीट द होमवर्क वेरी केयरफुली एंड लर्न ऑल द आइडेंटिटीज ओके थैंक्स